उसकी जोर की चीख से पूरा जंगल दहल जाता है। फसल देवता की आंख में क्रोश की ज्वाला और भी तेज हो गई थी। उसने अपने हाथ एक मुद्रा में बांधे और हवा में उड़ने लग गए। ये क्या? इसके पास तो सच में दैवी शक्तियां हैं। अंगद को अब अंदाजा हो चला था कि उसने मौत को दावत दी है। वो लेजर गन से फसल देवता पर गोलियां बरसाने लगा, लेकिन फसल देवता हर वार से बचे जा रहा था। पर अब वो अंगद पर भी आग के गोले बरसा रहा था। हर बढ़ते पल के साथ अंगद और उसके बीच का फासला कम होता जा रहा था। आग से झुलसा हुआ अंगद लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ओह नो, इसने भी जवाब दे दिया। फसल देवता अंगद के बेहद नजदीक आ गया था। अंगद ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। ये उसका आखिरी मिशन साबित होने वाला था। वो दर्द से कराहने लगा। फसल देवता उसे धीमी और दर्दनाक मौत देने वाला था। तभी उसने गौर किया कि आसपास अंधेरा छटने लगा था। सूरज की किरणें फसल देवता के पैर के पास आ गई थी। उसे देखकर फसल देवता पीछे हटने लगा। उसने अंगद की तरफ दो पल देखा और फिर मुंह फेर कर जंगल के भीतर भागने लगा। अंगद ने किसी तरह अपने आप को संभाला। आज तो बाल बाल बचे। वो उठकर खड़ा होने लगा, पर तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके हृदय गति बहुत बढ़ गई थी और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। ये मुझे क्या हो रहा है? वो लड़खड़ाकर जंगल के बाहर से आने वाली रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। शायद यही बाहर का रास्ता है। लेकिन कुछ ही पलों में वो वही ढेर हो चुका था। कुछ घंटों बाद जब अंगद की आंख खुली तो अपने आप को आईसीयू में पाया। लेटे रहो अंगद, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। आज तक फसल देवता के चंगुल से बचकर कोई भी वापस नहीं आ पाया है। लेकिन मैं यहां कैसे पहुंचा? सुबह होते ही कुछ लोगों को जंगल में तुम्हारी खोज करने के लिए भेजा गया था। उन्हें तुम वही खून में लथपथ पड़े हुए मिले। अफसोस, हम गोलू को ढूंढ नहीं पाए। गोलू को भी सही सलामत बचा लिया गया है। वो हुआ यू के आप पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, अभी ये बहुत कमजोर है। हाँ, अब तुम आराम करो, मैं बाद में मिलने आता हूँ। गोलू की माँ ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुमने एक अजनबी के खातिर इतना किया। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो मेरे दोस्त। शाम के वक्त बिरजू मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। उसने अपनी भाई की मौत को आज पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। मन में एक अजीब सी शांति थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फैसला किया कि जैसे ही अंगद अस्पताल से डिस्चार्ज होता है वो भी शहर वापस लौट जाएगा। तभी अचानक से उसे एक जानी पहचानी मधुर आवाज सुनाई दी। बिरजू, तुम यहाँ? श्रुति वहां पूजा की थाली लिए खड़ी हुई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बिरजू कुछ पल उसे यूं ही देखता रह गया। श्रुति के चेहरे से लग रहा था कि उसे बिरजू को यहाँ देखने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें भर आई थी। यूं तो बिरजू ने श्रुति से मिलने का मन नहीं बनाया था, लेकिन अचानक से एक दूसरे को आमने सामने पाकर दोनों की भावनाएं उमड़ पड़ी थी। जिनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी, अब वो दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे।
कहानी जारी रहेगी, जरूर देखें अगला एपिसोड।